खबर जयपुर से, जहां एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया है। मारपीट के मामले को रफा दफा करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से ये रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मारपीट के मामले को रफा दफा कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम अब लगातार पूछताछ कर रही है। इन दिनों बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है एसीबी की टीम, और इसी के चलते जयपुर में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया है। मारपीट के मामले को रफा दफा करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, ये बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से रिश्वत मांगी थी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और लगातार अब पूछताछ भी जारी है। 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है माणक चौक थाने के एसआई को। एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में मारपीट के मामले को लेकर रफा दफा करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से रिश्वत मांगी थी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब लगातार पूछताछ जारी है रघुवीर सिंह से। क्या कुछ और खुलासा हो पाता है, कुछ देर में पता चल जाएगा। जयपुर से आपको बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, जहां पर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से रिश्वत मांगी थी, और ये रिश्वत इसीलिए मांगी थी कि कोई मारपीट का मामला था, उसको रफा दफा करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर से एसीबी की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। एसीबी की टीम इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रही है। लगातार ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको एक्सक्लूसिव एवन टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर से एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया है। एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मारपीट के मामले को लेकर रफा दफा करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसआई रघुवीर सिंह ने परिवादी अभिषेक सोनी से रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर अब एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको लगातार एवन टीवी पर दिखा रहे हैं। माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी यादविंदर, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। हाँ देखिए लवीना, ये पूरा ताजा जो मामला है माणक चौक थाने का है, क्योंकि जो एएसआई है यहाँ पर रघुवीर सिंह बैरवा, इसने यहाँ पर जो परिवादी है अभिषेक सोनी उससे ये 25,000 रुपए की जो रिश्वत मांगी थी। क्योंकि जो रिश्वत थी यहाँ पर जो परिवादी है अभिषेक सोनी, उसके जो भाई है और उसके जो पिता है, उसके खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कराया था शाजिद नाम के युवक ने, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी माणक चौक थाने इलाके के अंदर। तो इसमें यहाँ पर जो उसकी जाँच थी वो यहाँ पर रघुवीर सिंह के पास थी। तो रघुवीर सिंह जब यहाँ पर परिवादी के घर पहुंचा था, तो उसने कहा था कि 25,000 रुपए की रिश्वत, 25,000 रुपए है वो पूरे मामले को रफा दफा करने के एवज में वो लोग मांग रहे थे। और आज पिछले 5-7 रोज से ये पूरा जो घटनाक्रम था वो चल रहा था। और आज योजना के तहत यहाँ पर जो रघुवीर सिंह एएसआई, उसने इंदिरा मार्केट के अंदर जो कि यादगार के पास पड़ता है, तो वहां पर उसको आज यहाँ पर 25,000 रुपए की रकम लेकर के यहाँ पर परिवादी को बुलाया था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर परिवादी ने इसकी जो शिकायत है यहाँ पर एसीबी मुख्यालय में कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर एसीबी की टीम ने यहाँ पर योजना बनाते हुए यहाँ पर जो रघुवीर सिंह जो एएसआई है उसको यहाँ पर दबोच लिया है बिल्कुल 25,000 रुपए की रिश्वत देते हुए। जी अरविंदर, ये बताएं रघुवीर सिंह के खिलाफ क्या पहले भी कोई ऐसा मामला सामने आया, या फिर पहली बार 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है? देखिए ये पहली बार ऐसा बात सामने आई है, लेकिन ये तमाम चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं ये सब तमाम जो पहलू है जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे यहाँ पर परिवादी से बात हुई है जो अभिषेक सोनी, उसका साफ कहना है कि यहाँ पर जो एएसआई है उसने 30,000 रुपए की रकम मांगी थी। उसने कहा था कि इसमें से 20,000 रुपए की रकम है वो थाना अधिकारी को यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि थाना अधिकारी को भी यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो पहलू है, इन सबको लेकर यहाँ पे एसीबी की टीम जांच कर रही है कि यहाँ पर रघुवीर सिंह के अलावा और भी कौन कौन जो थाना लेवल पे जो अधिकारी हैं उनकी इसमें मिली भगत है, इन
सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एसीबी की टीम में पूछताछ करी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एएसआई है उसको यहाँ पर 25,000 रुपए की रिश्वत देते हुए दबोच दिया है। लेकिन लवीना मैं आपको बता दूंगी, इस पूरी घटनाक्रम के बाद एक बार ये फिर से साबित हो गया है कि सरकारी तंत्र के अंदर, सरकारी विभागों के अंदर किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार वो पनपा हुआ है। लेकिन और यही चीज अब की बार सामने आई है, दोबारा सामने आई है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता का जो विश्वास है कहीं ना कहीं पुलिस पे टिका होता है, और खुद जब पुलिसकर्मी खुद ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कैसे वो जनता की जो काम है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से निपटाएंगे, कैसे विश्वास जगेगा, ये तमाम चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर, उनकी छवि पर सवाल उठ रहा है। चलिए अद्विन्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और माणक चौक थाने के एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है।